यहाँ पे एसर्शन और रीजन है वो हमें चेक करना है। यहाँ पे एसर्शन जो दिया है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये नॉर्मल जनरल ट्रेंड है जो याद ही होना चाहिए, तो ये होता है इंक्रीज। और इसका रीजन क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम होता है इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसकी वजह से ज्यादा अट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट होता है, तो ज्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो ये रीजन है। तो एसर्शन में यहाँ पे लिखा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, ये तो फॉल्स है, इंक्रीज होता है। रीजन ये दिया है कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेज द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और शील्डिंग अक्रॉस पीरियड, तो पीरियड में शील्डिंग जो है नंबर ऑफ शील्ड तो सेम ही होते हैं, शील्डिंग जो है शील्डिंग भी बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेंगे सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उससे शील्डिंग बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन शील्डिंग से ज्यादा इफेक्ट तो न्यूक्लियर चार्ज का होता है, ये तो सही लिखा है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से ही आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है, शील्डिंग भी बढ़ता है वैसे, जैसे 2.2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2.3 इलेक्ट्रॉन है, 2.4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे इस शेल में, सेकंड शेल में, तो शील्डिंग बढ़ता है, सेम शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी थोड़ा शील्डिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही करते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट तो क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो वो ओवरवे होता है शील्डिंग से, तो ये तो सही है, तो ये ट्रू लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका कंक्लूजन तो ये होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे डिक्रीज लिखा था, तो इसलिए वो ये जो एसर्शन है वो फॉल्स है, लेकिन रीजन ट्रू लिखा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का तो कोई यहाँ पे फिर रिलेशन ही नहीं है, तो बस हम ये देखेंगे कि assertion false, reason true, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन सी।